हरिओम, मैं दीपिका वीरा जाधव, अहमदाबाद उपासना सेंटर। मैं बापू के पास, मतलब 99 में बापू के पास आई, और मैं कैसे आई बापू के पास वो मैं आपको मेरा एक अनुभव बताती हूँ। मैं जब 12th स्टैंडर्ड में थी तब मुझे एक पेन स्टार्ट हुआ सिर में, मतलब आधा सिर जैसे बोलते हैं उसको बोलते हैं माइग्रेन, कोई बोलता है आधा सीसी है, कोई बोलता है माइग्रेन है, वॉट एवर। तो वो जो पेन हो रहा था तो 12th स्टैंडर्ड से लेके तब मुझे शुरू शुरू में थोड़ा थोड़ा होने लगा, बाद में धीरे धीरे होने लगा। वो धीरे धीरे वाला पेन मुझे, मैंने 3 साल तक सहन किया। वो कैसे कि मैं लाइट का, मतलब लाइट सहन नहीं कर पा रही थी, मैं किसी की वॉइस नहीं कर पाती थी, बर्तन अगर किचन में कभी गिर जाए तो वो मैं सहन नहीं कर पा रही थी, मुझे इतना पेन हो रहा था, स्टॉक गिर रहे थे मेरे, मतलब कभी भी रात को, सुबह दून में कभी भी। तो वो मैं वॉल पे, मतलब दीवार पे सिर पटकती थी कि मुझे इतना पेन हो रहा था। तो ये करते करते मेरे ये जो पोर्शन है वो भी सॉफ्ट हो गया था, मैं कोम नहीं कर पा रही थी। 12th स्टैंडर्ड में जैसे करके मैंने बोर्ड का एग्ज़ाम कम्प्लीट किया, फर्स्ट ईयर बीकॉम मैंने कम्प्लीट किया। सेकेंड ईयर में जब मैं आई तब 99 में मेरे पापा थ्रू उनके जो फ्रेंड हैं उनको बापू के बारे में, मतलब डॉक्टर अनिरुद्ध धैर्यधर जोशी जो अपने सद्गुरु हैं उनके बारे में जानकारी मिली। वो जानकारी के बाद मेरे पापा ने जब विशेषज्ञ पढ़ा, अनुभव पढ़े, तो उनको लगा नहीं सही में ये कोई सद्गुरु तत्व है। और मेरे घर में एटमॉस्फेयर मतलब ऐसा था कि मेरी जो बीमारी थी उसका कोई निदान नहीं था, क्योंकि मेरे पापा ने बड़ौदा में, जब मैं मतलब शादी के बाद मैं अहमदाबाद में आई हूँ, पहले मैं बड़ौदा से हूँ, तो बड़ौदा में जितने भी न्यूरोसर्जन हैं वो सभी के पास जाके उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट करवाया, सीटी स्कैन करवाया, सब कुछ। मगर मैंने पेन किलर इतनी सारी खाई है कि जब तक मैं पेन किलर खाती थी मुझे अच्छा था, पेन किलर अगर मैं बंद कर दूँ, कोर्स कम्प्लीट कर दूँ, फिर भी मुझे कोई फ़र्क नहीं, मेरा पेन एज इट इज़ ऐसा क्या वैसा ही था। मेरे पापा सारा भाई केमिकल्स में जॉब करते थे, उनको मालूम था, वो पेनिसिलिन डिपार्टमेंट में थे, पेनिसिलिन अपने बॉडी के लिए कितना हानिकारक है, फिर भी मुझे वो पेन किलर देते थे क्योंकि मेरा पेन ही मुझे सहन ही मैं नहीं कर पा रही थी। मैंने 3 साल ये पेन सहन किया। 99 में जब पापा को मालूम हुआ बापू के बारे में, बापू की उपासना में पापा जब फर्स्ट टाइम आए, उसके बाद उन्होंने सेकेंड टाइम आए, पापा मम्मी दोनों ने देखा उपासना अच्छे से हो रहा है, अच्छा लग रहा है, घर में एटमोसफियर अच्छा होने लगा, बापू के मतलब नाम स्मरण ये वो सब होने लगा। उसके बाद पापा ने बोला चलो अब आज हम लोग बच्चों को लेके जाते हैं, तो एक सैटरडे की उपासना में हम लोग भी गए, तब मैं सेकेंड ईयर बीकॉम में थी। तब हम जब उपासना में गए, उपासना में देखा मैंने सब लोग बैठे थे, बापू का मतलब अपनी जो तस्वीर है उसमें वाइट शर्ट ब्लैक पैंट, तो मैंने सोचा ये पैंट शर्ट वाला कैसे सदगुरु हो सकते हैं, फिर भी चलो ठीक है पापा लेके आए हैं बैठे वगैरह। हम लोगों ने उपासना की, उपासना हुई, आरती हो गई, आरती के बाद जब दर्शन की लाइन में हम लोग खड़े थे, तब मैंने दर्शन का जब मेरा नंबर आया तब मैंने पादुका पे सिर्फ सर झुका के इतना ही बोला कि आप सही में जो अगर सद्गुरु है तो मुझे ये पेन मैं पूरा का पूरा ले लो, ऐसा नहीं बोल रही हूँ, मगर मुझे ये सहन करने की मुझे शक्ति दो, क्योंकि मैं 3 साल से ये सहन कर रही हूँ, मुझे सहन करने का अभी मेरे में सहन रही नहीं है, शक्ति ही नहीं रही है, तो अगर आप सही में सद्गुरु हो तो मुझे ये सहन करने की शक्ति दो। ऐसा करके मुझे रोना आया और मेरे आंसू बापू के चरण पे भी नीचे गिरे। वहाँ पे मैंने दर्शन किए, वहाँ से उठ के मैंने उदी लिया, उदी लेके बाहर वॉलेंटियर्स खड़े थे जो साई सचित्र के एग्ज़ाम के बारे में मुझे बता रहे थे। वो साई सचित्र क्या होता है, साइंस और अध्यात्म रिलेटेड, बापू हमको कितना पास लाते हैं, वैसे उस रिलेटेड सब कुछ बता रहे थे। तो उन्होंने मुझे बताया आप साई सचित्र लो, साई चित्र के एग्ज़ाम दीजिए वगैरह वगैरह। तो मैंने बोला कि अभी तो कॉलेज की एग्ज़ाम है, मैं नहीं दे पाऊँगी। फिर भी मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि एग्ज़ाम देना है नहीं देना है बात की बात है, पहले साई चित्र अगर लेते हैं मिल रहा है तो आप ले लो पढ़ लो। मतलब ठीक है, मैंने साई चित्र लिया, लेके घर पे आए, हमने मंदिर में वो साई चित्र रखा। उसके बाद के नेक्स्ट गुरुवार से मैंने साई सच्चरित्र का अध्याय पढ़ना शुरू किया, और वो अध्याय पढ़ते टाइम पर जैसे कम्प्लीट हो जाता था, मैं एक पानी का ग्लास में बापू की उदी डालती थी और उदी मेरे सिर पे यहाँ पे जहाँ पे पेन होता था वहाँ पे लगाती थी, और मैं बोलती थी बापू का जो मंत्र है वो मन सामर्थ्य दाता श्री अनिरुद्धाय नमः, क्योंकि मेरे लिए वो मन का जो सामर्थ्य है वही मुझे चाहिए था, और वो मेरे बापू ने मुझे वो मंत्र से और उपासना में जाने के बाद मुझे मिला। और वो जो मैं ग्रहण करती थी पानी और उदी लगाती थी और एक एक अध्याय में पढ़ती थी रोज, तो जैसे वो एक एक अध्याय मेरा जो कंप्लीट होता था, जैसे 53 अध्याय जैसे कंप्लीट होने आए,
उसके बाद मुझे एहसास हो रहा था अंदर से मुझे कि नहीं, मेरा पेन कम हो रहा है, मुझे जो शक्ति मिल रही है और मेरा पेन कम हो रहा है। 99 से लेके 2017 तक, आज तक मुझे वो पेन कभी नहीं रहा। मैं टूर्स एंड ट्रैवल्स में जॉब कर रही थी, मैं 9 ईयर्स तक मैंने कंटिन्यू जॉब किया है, 9-10 घंटे मैं कंप्यूटर वर्क करती थी, मगर मुझे आज तक वैसा पेन कभी नहीं हुआ। अभी मैं एक अच्छी तरह से, मतलब वो बोल रही हूँ कि बापू के सानिध्य में आने के बाद बहुत खुश हूँ, हैप्पी हूँ, और सद्गुरु की कृपा सबके ऊपर ऐसी ही बनी रहे और सब ऐसे ही बापू के पास अच्छी तरह से आए, वही मेरी प्रार्थना है। हरिओम अम्बद्य श्री राम।